गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल ऑन द एमसीआईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स को हम अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ भी बोलते हैं, यानी कि अतिरिक्त वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा है वो। एंड इफ ये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स कभी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होती। मतलब पार्ट एज अ वे एक्सेसरी है, सपोर्ट करेगी डेवलपमेंट को, पर इससे कोई पार्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, इससे किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता है। हाँ, डेवलपमेंट की जो भी प्रक्रिया हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उसमें इन्वॉल्व रहेंगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, और एक्सक्रीशन के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन में, एक्चुअल में हम बात करें तो एक्सक्रीशन में ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है और स्टोर करके रखता है। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होता है गैसेस का, प्रोटेक्शन का काम करेंगी, एग को प्रोटेक्ट करके रखेंगी जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बट उनसे कोई पार्ट नहीं बनेगा एम्ब्रियो का, भ्रूण का कोई भी अंग यहाँ से निर्मित नहीं होगा, पर हेल्प कर रही है डेवलपमेंट प्रोसेस में। इसलिए हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, कि एम्ब्रियोनिक पार्ट नहीं बना रही, एक्स्ट्रा पार्ट है जो सिर्फ हेल्प करने में, यानी कि इनके बिना ऑफ कोर्स डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है इनका काम, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बट ये इन्वॉल्व नहीं होती किसी ऑर्गन को फॉर्म करने में। तो ये बात क्लियर होगी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का एक्चुअल में मतलब क्या है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स को। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स के बाद हम ऑर्गेनिज़म्स पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं एम्नियोटिक होते हैं, कुछ एनएम्नियोटिक होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे। योक सैक, एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ये फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स हैं जिनको हमें स्टडी करना। लाओ नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। सीधी सी बात है, डायग्राम देख रहे हैं हम। सबसे आउटर रीजन में जो मेरे को मेम्ब्रेन मिल रही है, उसको मैं नाम दे रही हूँ कोरियन। उसको मैं बोल रही हूँ कोरियन। इसके जस्ट अंदर की तरफ चलेंगे तो ये ग्रीन कलर की, देखो सेपरेटेड रीजन ग्रीन कलर का हमें देखने को मिल रहा है। ये है एलेंटॉइस, ये सेपरेटेड रीजन है एलेंटॉइस, और इसी के साइड में चलोगे तो एक और येलो कलर का रीजन दिख रहा है जिसको मैं बोल रही हूँ योक सैक। ठीक बात है, योक सैक है, पित्तक कोश है, और सबसे अंदर की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है एम्ब्रियो के बाहर की तरफ। भ्रूण जो है, भ्रूण के जस्ट बाहर की तरफ आउटर साइड में मुझे यहाँ पे ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, उसको मैंने नाम दे दिया है एम्नियन। तो चार मेम्ब्रेन्स हैं, और इन्हीं को जब हम और डेवलपमेंट देखते हैं तो ये ग्रीन कलर की कैसे डेवलप हुई है वो देख रहे हैं हम, डेवलपमेंट प्रोसेस देख रहे हैं, डेवलपमेंट की प्रक्रिया देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो एलेंटॉइस है, इससे आगे जाकर ऐसे डेवलपमेंट होगा। वहीं ब्लू कलर की जो बाहर वाली है, ये रीजन एक्सटेंड हो गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लू कलर का रीजन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा यहाँ पर, एम्नियन, जस्ट भ्रूण के बाहर, एम्ब्रियो की जस्ट बाहर की तरफ। सेम बात करूँगी, ये जो पिंक कलर की लेयर है ये कोरियन है। ठीक बात है, और योक सैक धीरे 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 गायब होने लग गया है, यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, और डेवलपमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ ये जो ग्रीन थी एलेंटॉइस और ये जो पिंक है, ये जो है ये कोरियन, कोरियन और एलेंटॉइस दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कोरियन और योक सैक मिलकर भी विटिलो
कोरियोनिक प्लेसेंटा बना सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि कोरियोन के साथ कौन सी मेम्ब्रेन फ्यूज होती है और प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा हम देखेंगे इसके अंदर विलाय जैसी स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, सबको विजुअलाइज हो रहे हैं। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक आते आते इस तरह से, राइट। तो ये डेवलपमेंट पार्ट शो कर रहा है बट एक्चुअल में ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या है, कितनी है, चार है, कहाँ इनकी पोजिशन है, ये पोजिशन किधर है, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करती हूँ मैं कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये। तो ओरिजिनेट तो कहाँ से ही होंगी, एम्ब्रियो से ही ओरिजिनेशन है, एम्ब्रियो से ही ओरिजिनेट होंगी, बट एम्ब्रियो का पार्ट कंसिडर्ड नहीं की जाती है क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं बट एम्ब्रियो का कोई ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं कर रही। तो एम्ब्रियो का पार्ट कंसिडर्ड नहीं है बट ओरिजिनेशन जो है, इनका जो निर्माण है वो एम्ब्रियो से ही होगा, भ्रूण से ही होगा। बट दूसरी चीज़, ये ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, ये हमने पहले ही देख लिया कि एम्ब्रियो भ्रूण अवस्था में जो परिवर्धन हो रहा है उसके डेवलपमेंट में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तीसरी बात करती हूँ मैं, ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है। न्यूट्रिशन किससे प्रदान होगा, योग सैक से, पित्तक कोष से। ये गैस एक्सचेंज कर रहे हैं तो यानी कि ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं और रेस्पिरेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन करेगा, कोरियन। और वेस्ट रिमूवल का काम यानी कि ये एक्सक्रीशन का काम भी कर रहे हैं क्योंकि एक्सक्रीटरी पदार्थ जो है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको स्टोर कर रहे हैं और फिर बाद में बाहर रिमूव कर रहे हैं, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निष्कासित करने का काम भी इनका रहेगा। और वो मेन काम किसका रहेगा, एलन टॉइस का। तो ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की डेफिनेशन है कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एम्ब्रियो से बन रही हैं, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है बट डेवलपमेंट में हेल्प करेगी और डेवलपमेंट में क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये हम देख रहे हैं। न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगी, पोषण प्रदान करेगी, इसके साथ साथ पोषण के साथ साथ एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन का काम भी इसका रहेगा। ऑलराइट, सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हो सकती हैं। चार टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हमें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट योग सैक, योग सैक पित्तक कोश कहाँ प्रेजेंट थी, भ्रूण के नीचे की तरफ। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर देखती हूँ, हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो देख रखा है लेकिन इसको एक बार और जब मैं देखती हूँ, तो सपोज मैंने बोला, चलो ये भी नहीं, ये देखते हैं। सपोज मैंने बोला मेरा जो एम्ब्रियो है वो ये है, ठीक ठीक बात है, मैंने बोला मेरा एम्ब्रियो ये है, अब इस एम्ब्रियो से जब मैं देखूंगी, ये मेरा एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो से जब मैं देखूंगी तो इस एम्ब्रियो से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक सैक है, ठीक है। इस एम्ब्रियो के बाहर की तरफ मैं देखूंगी तो इस एम्ब्रियो के बाहर की तरफ भी एक लेयर है, ये भ्रूण था, भ्रूण के बाहर भी एक लेयर है, भ्रूण के नीचे की तरफ भी एक लेयर है। अब मैं देखूंगी
एम्ब्रियो के जस्ट यहाँ पे भी एक लेयर है सबसे बाहर की तरफ, और एक और स्ट्रक्चर जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ से ये जो भ्रूण है इसका जो पश्च भाग है यहाँ से भी एक लेयर ऐसे निकल के जा रही है। ठीक है, इस लेयर को मैं मार्क कर देती हूँ। तो हमने देखा ये चार लेयर्स, ये डायग्राम आपके लिए और क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात होती है एम्ब्रियो के जस्ट जो बाहर है, सीधी सी बात, एम्ब्रियो के, ये एम्ब्रियो है मेरा ब्लू कलर का, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है एम्ब्रियो के जस्ट जो बाहर वाली लेयर है, इस लेयर को मैंने बोल दिया एमनियॉन, जस्ट एम्ब्रियो के बाहर है ना एमनियॉन। इसके बाद बात करूंगी मैं एम्ब्रियो के नीचे की तरफ जो है येलो कलर की योक सैक, पित्तक कोश, पित्तक रहेगा इसके अंदर। इसके बाद बात करूंगी ये जो ग्रीन कलर के बाहर सबसे बाहर वाली है पिंक कलर की, तो ये कौन सी हो जाएगी, कोरियन, सबसे बाहर जो है लेयर कोरियन हो गई। और जब इसकी बात करूंगी ये रेड कलर की, तो ये क्या हो गई, एलेन चॉइस। ठीक है, क्लियर है, तो मुझे लगता है ये डायग्राम आपके लिए और क्लियर होगा और समझना और आसान होगा। तो योक सैक हमने देख लिया यहाँ पे उपस्थित है, ठीक बात है। एमनियॉन हमने देखा एम्ब्रियो के जस्ट बाहर की तरफ है, कोरियन हमने देखा सबसे बाहर है, सबसे आउटर में है, और एलेंटॉइस हमने देखा भ्रूण के पश्च भाग से, हाइंड भाग से निकल के कोरियन के अंदर वाली जो गुहा है उसमें फैल रही है। ये यहाँ तक नहीं रहेगी, ये और डेवलपमेंट करते हुए यहाँ पे आ जाएगी और पूरा कवर भी कर लेगी। तो इस तरह से ये कोरियन की गुहा, कोरियन, ये कोरियन की गुहा अंदर वाला जो पार्ट है उसको ये ले रही है। ठीक बात है, तो ये बात हुई हमारी। अब इनके फॉर्मेशन को देखेंगे, इनके निर्माण को देखेंगे, क्योंकि आपके क्या है, इनके फंक्शंस, इनके कार्य क्या रहेंगे और इनका निर्माण डेवलपमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ योक सैक और एलेंटॉइस की। इन दोनों का निर्माण स्प्लैंकनोप्लूइड से ही हो रहा है, ठीक बात है। इन दोनों के निर्माण की जब मैं बात कर रही हूँ तो दोनों का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, स्प्लैंकनोप्लूइड से हो रहा है, और दोनों अंदर हैं। देखो योक सैक भी अंदर है, अंदर वाली है, एलेंटॉइस भी अंदर वाली है, ये री दोनों अंदर वाली लेयर्स है। दोनों का निर्माण किससे हो रहा है, स्प्लैंकनोप्लूइड से, यानी कि स्प्लैंकनोप्लूइड अंदर वाली है तो मीजोडर्म तो देखो सबके अंदर रहेगी, मीजोडर्म तो सबका निर्माण करने में हेल्प करेगी, बट क्योंकि ये लेयर्स अंदर बन रही हैं तो मीजोडर्म के साथ साथ यहाँ पे एंडोडर्म भी जुड़ेगी, यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म को मिलाकर हम नाम देते हैं स्प्लैंकनोप्लूइड। क्लियर, मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म अंदर बन रही, क्योंकि दोनों लेयर्स, इन दोनों को मिला के हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, स्प्लैंकनोप्लूइड, मीजोडर्म, स्प्लैंकनिक मीजोडर्म होती है। वहीं मैं बात करूं एमनियॉन और कोरियन की, तो ये दोनों सोमैटोप्लूइड से बनती हैं। पहली बात तो ये दोनों बनती भी साथ साथ हैं, इन दोनों का डेवलपमेंट हम अलग अलग नहीं देखेंगे, इन दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। एक तो है सबसे अंदर वाली एमनियॉन, ये री, और एक है सबसे बाहर वाली कोरियन, ये री, सही बात है, सबसे अंदर वाली भी और सबसे बाहर वाली भी, और दूसरी चीज साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो दो चीज अंदर भी बन रही है, बाहर भी बन रही है, बाहर बन रही है तो एक्टोडर्म तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी इससे, और हमने पहले बोल दिया कि मीजोडर्म तो हर
लेयर को बनाएगी, हर मैम्ब्रेन को बनाएगी। तो मीजोडर्म तो होगी होगी, बट मीजोडर्म के साथ यहाँ क्या जुड़ जाएगी, एक्टोडर्म। यानी कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म जब मिलकर मैम्ब्रेन बना रहे हैं तो उसको हम नाम दे रहे हैं सोमैटोप्ल्यूर, और उनसे सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, एमनियन एंड कोरियन। एमनियन और कोरियन दोनों साथ साथ बनते हैं, दोनों का परिवर्धन साथ साथ होगा, डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं एमनियोटिक वर्सेस एनेमनियोटिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात करूंगी, एमनियोटिक वो जंतु हैं जिनके अंदर एमनियन प्रेजेंट रहती है, राइट? ऐसे जंतु जिनमें एमनियन उपस्थित रहेगी वो ऑर्गेनिजम्स, वो जंतु हो जाएंगे एमनियोटिक। सीधी सी बात ये रहे, एमनियन जिनमें है प्रेजेंट है एमनियोटिक। वहीं ऐसे जंतु जिन्होंने एमनियन उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उन जंतुओं को हम नाम दे देंगे एन एमनियोटिक। एमनियोटिक वर्सेस एन एमनियोटिक। एग्जाम्पल, एमनियन जिनमें होता है रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, ठीक है, और एमनियोटिक कहलाएंगे। एन एमनियन मतलब एमनियन जिनमें एब्सेंट होती है पीसीज, एम्फीबियंस, राइट? तो ये क्या है, पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स, और इनसे डेवलप होके आगे जाके जो इवोल्यूशन हो रहा है वो ये वाले न्यू वाले ऑर्गेनिजम्स। तो जहाँ पर न्यू ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं हम, कॉर्डेटा के ही एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एमनियन डेवलप होने लग जाएगी, तो उनको हम बोल देंगे एमनियोटिक जंतु। और इसको आप याद भी कर सकते हो कि क्या एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है आर ए एम, राम। रैम बोलो, राम बोलो, बात एक ही है, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स इनके एग्जाम्पल रहेंगे। चलिए ये तो सीधी सी सिंपल सी बात थी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहली बात, ये भी डायग्राम एनलार्ज होकर आपको शो कर रहा है कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? तो यही बता रहा है कि कहाँ कौन सी मेम्ब्रेन है। बस येलो वाला क्या है, पित्तक कोश, योक सैक है। चलिए इसी डायग्राम को इनलार्ज करके बताया गया है, बस कोरियन जो है उसने किसी एक मेम्ब्रेन के साथ मिलकर विलाय, सूक्ष्म बोलते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाय उनको बना लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये आता है हमारा योक सैक का डेवलपमेंट, कि योक सैक कैसे डेवलप होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको पहले ये स्लाइड दिखाऊं। चलिए ये नहीं देखेंगे, यही देखेंगे, जहां समझ नहीं आएगा मैं बना दूंगी। योक सैक पित्तक कोश का निर्माण कैसे होगा ये हमको देखना है। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि यहां पर जब हम साइड में देखते हैं तो साइड में दो टाइप की पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं? दो टाइप की पॉकेट्स का फॉर्मेशन होगा जब हम सामने देखेंगे। तो कहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, एक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे, इस साइड भी ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बीच वाला जो पार्ट है बिल्कुल खाली है, इस बीच वाले पार्ट को मैं नाम दे देती हूँ मिडगट है ये, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इस रीजन में ये न्यूरल ट्यूब भी बन रही है,
ठीक है, हेड रीजन, जिस साइड न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो रहा है वो हेड रीजन, पीछे वाला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, कॉडल रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ तो नीचे की तरफ यहाँ पर दो पॉकेट्स जैसी संरचना बन रही है, पॉकेट नुमा संरचनाएं बन रही हैं। और जब पॉकेट नुमा संरचना की बात करते हैं तो हेड रीजन की तरफ जो पॉकेट बनेगी उसको, क्योंकि उसके नीचे बन रही है तो उसको मैं सबसेफेलिक पॉकेट बोल सकती हूँ। सेफेलिक मीन्स ब्रेन से रिलेटेड पार्ट, अग्रभाग, हेड रीजन। तो जो इस एरिया में इसके नीचे पॉकेट बन रही है उसको मैंने नाम दे दिया सबसेफेलिक पॉकेट। वहीं बात करूँगी अगर मैं, लास्ट एंड पार्ट है क्योंकि, तो एंड पार्ट में क्या बनेगी, हाइंड पार्ट है, यहाँ पर क्या बनेगी, सब कॉडल पॉकेट। नीचे बन रही है इसलिए सब बोल रहे हैं, कॉडल अंतिम भाग है इसलिए एंड, पॉकेट नुमा संरचना का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों साइड पॉकेट्स बन रही है, धीरे धीरे मिडगट जो ये बीच वाला भाग है, मिडगट वाला भाग है, ये मिडगट वाला भाग धीरे 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 पास आने लगेगा और यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं बचेगा। सेम चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ, इस तरह से यहाँ पर ये एक पॉकेट बन रही है और यहाँ पर ये एक पॉकेट नुमा जेब नुमा संरचना बन रही है। ये बीच में जो पार्ट है ये मिडगट पार्ट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पास आ रहा है, पास आते आते क्या होगा, ये जो मिडगट पार्ट है ये तो क्लियर है अभी तक कि इस तरह से ये बन रही है। लेकिन हमें एक और चीज जो देखनी है वो देखनी है कि पहले ऐसा था अब कैसा होता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे होने लग जाएगी, ये बिल्कुल पास में आ जाएगी और पास में आते आते ये बिल्कुल पित्तक जो होगा, इसके अंदर पित्तक आ जाएगा, सारा पित्तक आ जाएगा तो ये नीचे से ऐसे घूमकर पूरा एक पित्तक कोश का निर्माण कर लेगी, योग सैक का निर्माण कर लेगी, डेवलपमेंट कर लेगी। तो सेम चीज़ यहाँ भी देख रहे हैं हम, यहाँ पर योग स्टॉक है जो ये पित्तक वृंत जिसे बोलते हैं, एक पतली सी नलिका रूपी संरचना योग स्टॉक है। नीचे की तरफ यहाँ देख रहे हैं हम पित्तक दिख रहा है और ये जो लेयर है ये धीरे 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 कवर कर लेगी। यानी कि पहले मिडगट का एरिया इतना था, धीरे 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 क्योंकि मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं, मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं, पास आ रही हैं, फोल्ड हो रही है, फोल्ड होके योग को अंदर रख रही हैं और योग सैक बना रही है, यानी कि पित्तक कोश बना रही है। पित्तक कोश एम्ब्रियो के द्वारा किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एक स्टॉक के द्वारा, एक वृंत के द्वारा जिसे नाम दिया है पित्तक वृंत। अब देखो यही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये नोटोकॉर्ड है, ये एलेंटॉइस है, एलेंटॉइस से अभी हमें मतलब नहीं है, ये एमनियन है अभी इसे भी नहीं देखेंगे हम, ये डॉर्सल एओटा, ये भाग बता रहे कौन कौन डेवलप हो चुके हैं, पेंक्रियाज, एओटा, ये स्टमक डेवलप हो चुका है, ये लंग्स की बड है यानी कि लंग्स डेवलप होने लग गए हैं, ये थायराइड ग्लैंड है, ये स्टोमोडियम डेवलप होने लग गया है, ये रथकेज पाउच डेवलप होने लग गया, ये इनफंडिब्यूलम, ये ब्रेन। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात अगर मैं करूँगी तो इस स्लाइड से करूँगी कि सबसे पहले योग सैक का निर्माण किससे होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंदर होता है योग सैक स्प्लैंकनोप्ल्यूर से बनेंगे, स्प्लैंकनोप्ल्यूर मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म से बनेंगे। यहाँ देखेंगे ये देखो योग कम्प्लीटली, सॉरी कम्प्लीटली देखोगे यहाँ पर ये योग है और ये पूरा जो है ये बाहर की तरफ ये योग सैक है और योग सैक एम्ब्रियो से किससे जुड़ा हुआ है, योग स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये हेड रीजन आ जाएगा, ये कॉडल रीजन पश्च भाग आ जाएगा, ये संरचना यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये योग स्टॉक है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बनती है, मिडगट बोला मैंने,
तो मिडगट, सीधी सी बात है, मिडगट भाग किसका होता है? आहार नाल का ही होता है, एलिमेंट्री के नाल का ही होता है, तो एलिमेंट्री के नाल डेवलप यहाँ पर हो रही। इसके बाद मिडगट जो है वो किससे जुड़ी हुई है? योग सैक से जुड़ी हुई है, पित्तक कोश से जुड़ी हुई है, बीच में से, मध्य से। अब दो पॉकेट्स की संरचना होगी, एक सबसेफेलिक एक सबकॉडल। सबसेफेलिक शीर्ष भाग की तरफ, सबकॉडल पश्च भाग की तरफ। योग स्टॉक पित्तक वृंत भी बनेगा, इसका भी निर्माण होगा बीच में। और इसका काम क्या है पित्तक वृंत का? एम्ब्रियो जो ऊपर बन रहा है, ये मिडगट, ये सारा किसका पार्ट है? एम्ब्रियो का। इससे पित्तक कोश को जोड़ना, स्टॉक है, एक वृंत है, यहीं से पोषण ऊपर जाएगा एम्ब्रियो तक। अब क्योंकि पित्तक कोश है तो इसमें विटिलाइन वेन, विटिलाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विटिलाइन मीन्स योग पित्तक, तो ऐसी वेन जो योग को लेकर जाएगी वो भी यहाँ पर पित्तक कोश में ही यहाँ पर उपस्थित रहेगी और योग को ऊपर की तरफ सेंड करेगी, ऊपर भेजेगी। इस तरह से योग का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, किसके द्वारा? एक वेन के द्वारा। ठीक, अब जैसे ऐसे डेवलपमेंट होगा, जैसे ऐसे डेवलपमेंट होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, ये जो योग सैक है, पित्तक कोश है, वो धीरे 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 छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसकी मात्रा कम होगी, मात्रा कम होगी तो ये शो कर रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी चीज़, इस योग सैक के अंदर की तरफ मैं बात करूँगी तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्म से बन रही है तो एंडोडर्मल कोशिकाएं, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये कुछ एंजाइम्स का स्त्रावण करते हैं ताकि पित्तक घुलनशील अवस्था में आ सके, और एक बार अगर घुलनशील अवस्था में आ गया तो इसे रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने के। अघुलनशील अवस्था में ये नहीं जा पाएगा, घुलनशील होकर ये ऊपर आराम से जा सकता है एम्ब्रियो तक और पोषण प्रदान कर सकता है। तो ये बात हुई इसके डेवलपमेंट की। आई होप क्लियर होगा। दो पॉकेट्स, बीच में मिडगट, मिडगट धीरे धीरे रिड्यूस, फिर पॉकेट एक सैक बना लेगी, बीच में योग रहेगा, योग सैक, पित्तक वृंत, योग स्टॉक, बीच में विटिलाइन वेन्स जो कैरी करेंगी योग को ऊपर की तरफ। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शंस, योग सैक के क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो मैं देखूंगी वो ये है कि ये क्या करता है, अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, किसका? योग का। योग का एब्जॉर्ब करवा के उसको कहाँ भेजेगा? भ्रूण तक। तो अवशोषण में काम करता है। एंडोडर्मल सेल्स की बात कर रही हूँ तो एंडोडर्मल सेल्स एक एंजाइम का स्रावण करते हैं, अभी पढ़ा हमने जस्ट नाउ। जैसे ही सिक्रीट होगा एंजाइम, एंजाइम स्रावित होगा, योग सल्यूबलाइज हो जाएगा, घुलनशील अवस्था में ला दिया जाएगा। थर्डली बात करूँगी, योग एब्जॉर्ब किया जाता है एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा, अवशोषण किया जाता है इसका, और उसे कहाँ भेज दिया जाता है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट। काम क्या है मेनली, बेसिकली इसका? ताकि न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रदान किया जा सके, न्यूट्रिशन दिया जा सके। नेक्स्ट, चलिए ये फंक्शंस की बात हुई, नेक्स्ट बात करेंगे हम एमनियन एंड कोरियन। एमनियन एंड कोरियन का डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, साथ साथ होगा, एक साथ बनेंगे। क्या देखने को मिलता है इस डायग्राम में कि सबसे पहली बात, मैं अगर बोलूं कि एमनियन और कोरियन साथ साथ बन रहे, तो एमनियन अंदर वाली लेयर होगी, कोरियन बाहर वाली लेयर होगी। ये क्या है? ये एम्ब्रियो है। ये क्या है? ये एम्ब्रियो का हेड भाग है। और ये एम्ब्रियो का पश्च भाग है, कॉडल भाग है। यहां से मैं देखूंगी कुछ फोल्ड्स, वलन देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले, क्योंकि ये दोनों एक बाहर एक अंदर फॉर्म होगी, तो किस लेयर से बनेगी? सोमैटोप्ल्यूर से बनेगी, यानी कि एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म से इसका निर्माण होगा। अब हेड रीजन, टेल रीजन, पश्च भाग,
यहाँ से फोल्ड्स बनेंगे, अगर हेड रीजन के ऊपर फोल्ड बन रहा है तो इसको मैं बोल दूंगी हेड फोल्ड, शीश वलन, टेल रीजन के ऊपर फोल्ड बन रहा है तो इसको